गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज देविका हॉलीडे है तो हम काफ़ी लेट उठे। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मसाला इडली। तो ये बन रही है मेरी मसाला इडली, ये देखिए। तो यहीं से आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना। तो फिर मिलती हूँ आगे। हेलो गाइस, बड़ों को नमस्ते एंड पहला छोटू को बहुत सारा प्यार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दीप्ति एंड सचिन व्लॉग्स में। तो अभी मैं देखो 4:15 हो गया है, अब जाके मैं मतलब आपसे मिल रही हूँ। और आज दीवी का हॉलीडे था ना, तो मेरा भी हॉलीडे हो गया उसके साथ साथ। आज बहुत लेट उठी थी और सुबह से मतलब मैंने कोई भी क्लिप्स नहीं, मॉर्निंग का क्लिप बनाया है बस ब्रेकफास्ट का। उसके बाद से अभी मैं शूट कर रही हूँ और मुझे शॉप पे भी जाना था और काफ़ी लेट हो गया है और क्योंकि कस्टमर्स के कॉल भी आ रहे हैं, उनको मुझे मतलब प्रोडक्ट्स भी दिखाने थे और मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। मैं सोच रही थी कि चलो जाने से पहले आप लोगों से एक बार बात कर लूँ, तो मैं शॉप के लिए निकलती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ शॉप पे। तो सचिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। देखो ये ले रहे हैं, कुछ ऑर्डर आए हैं उनकी, ये फ़ोटोज़ ले रहे हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं उनकी, मतलब वीडियो बनाते हैं या फ़ोटो लेते हैं, वो सब काम है। और बाकी मैं अपना काम करती हूँ। यहाँ पे मैं कुर्तियों के साइजेस मेज़र कर रही हूँ। ये कस्टमर के कुछ सेलेक्टेड आइटम्स हैं जिनके मैं उनको प्रॉपर साइज़ मेज़र करके बता रही हूँ। तो क्या होता है ना, हर ब्रांड का अलग अलग साइज़ रहता है, तो हम क्या करते हैं बस साइज़ भी पूछ लेते हैं और वैसे एक्सेल डबल एक्सेल इस तरीके से भी हो जाता है। तो हर चीज़ बात क्लियर करना सही रहता है हमारे लिए भी, कस्टमर के लिए भी। वही मैं कर रही हूँ अभी। तो अभी कुर्तियों का काम ख़त्म हुआ, तो एक दूसरे कस्टमर की रिक्वेस्ट थी कि उन्हें साड़ी देखनी है, तो वही है, मैं अभी साड़ी की डिटेल्स बता के साड़ी दिखा के उनको अभी फ्री हुई हूँ, तो मैं वही साड़ी फोल्ड कर रही हूँ अभी। तो गाइस थोड़ा बहुत काम हुआ, 2-3 कस्टमर से मेरी बात हो गई है। अब एक कस्टमर है जो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। सुबह से तो कॉल आ रही थी लेकिन अभी कॉल पिक नहीं हो पा रही है उनसे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। देखो सचिन एंड दीप्ति ब्लॉग्स में सचिन नहीं आ रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो ये है सचिन जी, तो जो है बहुत बिजी हैं सुबह से, जो है कस्टमर्स में बिजी थे। और क्या होता है ना, हमने ना काम बांटा हुआ है। अब क्या होता है, हम लोकल जो है सारा सचिन जी के पास है और ऑनलाइन जो है सारा मेरे पास है। तो गाइस हो गया काम और ये हो गया पैक जो अभी डिलीवर करना है। तो ये था मेरा आज का काम। तो अभी 7 बजने वाला है शाम का, तो अभी अंधेरा हो जाएगा फिर, तो जल्दी मैं घर जाती हूँ। दीव वो भी मेरा वेट कर रही होगी और फिर खाना भी बनाना है, तो घर जाती हूँ। और मुझे दीवू के शूज़ भी लेने हैं, तो वो भी देखते हुए जाते हैं। तो चलो फिर मिलती हूँ, ओके बाय। ये लो जी, ये क्या हुआ, मैं जिसका वेट कर रही थी ना उनका वीडियो कॉल अब जाके आया, तो वही मैं उनको साड़ी दिखा रही हूँ। वो बोल रहे थे एक बार आप ट्राई करके भी दिखा दो, तो मैं ऐसे भी उनको दिखा रही हूँ। ये चल ही रहा था, फिर यहाँ पे कस्टमर्स भी आ गए, तो सचिन देखो उन्हीं से डील कर रहे हैं। तो गाइस अभी मैंने कहा था कि हम जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि हम यहीं रह गए। जैसे ही मैं बाहर गई ना, तो वैसे ही कॉल आ गया जिसका मैंने बताया था कस्टमर का, मैं वेट कर रही हूँ कॉल आएगा। तो इतनी देर में कॉल आया, तो अब जाके फाइनल हुआ वीडियो कॉल और फिर ऊपर से कस्टमर भी आ गए शॉप पे। तो जो है बहुत सारा फैल गया है, ये देखो फैल बहुत सारा गया है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन घर भी जाना है ना, तो अभी नहीं करेंगे, ये कल करेंगे कल। लेकिन कल हमारी शॉप जो है बंद रहती है, यहाँ पे मार्केट बंद रहता है, तो देखते हैं। लेकिन आज तो हिम्मत नहीं है भाई, घर चलते हैं क्योंकि दीवी के शूज़ भी लेने हैं, कल उसके पहन के जाना है।
तो इसलिए हम अभी निकल रहे हैं। हाय गाइस, तो अभी मैं आपको अब शॉप के बाद अब मिल रही हूँ। अभी टाइम 9:45 हो रहा है और अभी हमने रोटी नहीं बनाई है, सब्जी मतलब मम्मी बना चुकी थी क्योंकि आज हम काफ़ी लेट हो गए आने में, 8 बज गया और काफ़ी लेट हो चुके थे। अभी मम्मी पापा लोग छत पे बैठे हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो और मैं मतलब व्लॉग का एंड करने वाली हूँ, मैंने कहा एक बार व्लॉग का एंड कर देती हूँ क्योंकि ना व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसलिए वही सोच रही थी मैं। तो मैं ये देखो दीवू के साथ बैठी हूँ। दीवू सबको हाय करो। हाय। तो आज के व्लॉग में दीवू अभी आ रही है। अच्छा पॉपिट खेल रही हो, बताओ क्या है ये पॉपिट। अच्छा कुछ सुना तो दो। अच्छा वाला, अच्छा वो सॉन्ग सुना दो वाला, मेरे पापा पापा मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा मैं बता रही हूँ कौन है। पापा मेरा पापा, पापा मेरा पापा। मैंने क्या पूछी थी, मैंने क्या पूछी थी, इतना अच्छा सॉन्ग। तो आप बाय बाय बोलते चलो। बाय बाय। तो गाइस व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए अब व्लॉग का एंड करते हैं और दीवू के बिना व्लॉग इनकम्प्लीट है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, तो इसलिए दीवी को लेना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम रोटी बनाएंगे, काफ़ी 10 बजने वाला है और कल दीवी को स्कूल भी जाना है, तो इसको जल्दी जल्दी उठाना भी है। और तो यहीं पर मैं व्लॉग का एंड करूंगी और इंजॉय करना व्लॉग को। और अगर मेरे व्लॉग आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लेना क्योंकि मेरे व्लॉग के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलते रहेंगे। तो अब मैं यहीं पर व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो बाय बाय और ध्यान दीजिए अपना और हमारे व्लॉग को इन्जॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।